बिहार में अगर आपको याद होगा पुराने गठबंधनों का दौर, तो उस गठबंधन में जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, मुकेश सहनी और भी कई दल शामिल थे, लेकिन महागठबंधन में काफी कम दल थे। अब परिस्थितियां उल्टा हो चुकी है और इस बदली हुई परिस्थिति के पीछे का कारण भारतीय जनता पार्टी का वो कारनामा जो कहीं ना कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में करती आई है, दलों में तोड़फोड़, सरकार में बदलाव। और यही वो वजह है कि मुकेश सहनी काफी नाराज हैं। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने की ठानी है और उसका बदला भी अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मुकेश सहनी का जब बदला पूरा होगा तो भाजपा को फायदा होगा या राजद को फायदा होगा, नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों में दुख झेल चुके हैं। जी राजनीति के शुरुआत में ही मुकेश सहनी जितना उन्होंने तरक्की देखी जी उतना ही उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा भी देखा। जी बिहार की राजनीति ही ऐसी है कि आपको शुरू में ही सब कुछ सिखा देती है। चिराग हाँ पासवान को देखिए, किस जी तरीके से एक बहुत अच्छे स्थिति से वो कहाँ आज पहुंच गए हैं, और फिर देखिए जी जी परिस्थितियां फिर बदल रही हैं उनकी। वैसे ही मुकेश सहनी की भी परिस्थितियां बदल रही हैं। जी दोनों गठबंधनों से उन्हें लगातार ऑफर आ रहा है। यहाँ तक कि कहीं कहीं तो ये भी चर्चा हो रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम तक का ऑफर दिया जा रहा है आगामी जी चुनाव में। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सारा जो विवाद था या बुरा समय था वो पीछे छूट रहा है। हाँ ये सब कुछ अपनी रणनीतियों के चलते कर पा रहे हैं मुकेश सहनी। उनके पास जी एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को लगातार वो साधे रखे हैं, उपचुनाव जी में अपनी ताकत दिखाई है कई बार, इसीलिए जी दोनों गठबंधनों की तरफ से उनको ऑफर दिया जा रहा है कि वो उनकी तरफ आ जाए। भाजपा जी के ऑफर को तो उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि तो भाजपा वाला जख्म अभी हरा। भाजपा ने जो किया उसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है थप्पड़ मारने जैसा, जी इंसल्ट करने जैसा। हाँ चिराग, हाँ हालांकि वही बात अगर तेजस्वी के संदर्भ में देखा जाए तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पीठ में खंजर घोंपा था पिछले चुनाव में, जिसको जी लेकर कहीं ना कहीं बहुत समय भी बीत चुका है। और उसके बाद उन्होंने उसका बदला भी लिया है तेजस्वी यादव से, उन्हें सत्ता विहीन जी करके। अब बात रही कि क्या लालू यादव के आदर्शों पर चलकर उनके समाज को, जो मलाह समाज है, उसको आरक्षण दिलाया जा सकता है या भाजपा दिलाएगी। तो जी देखिए, भाजपा पर भरोसा रह नहीं गया मुकेश सहनी को। वो हाँ जानते हैं, बार बार लालू यादव की बात करते हैं। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि उनकी बात, ये बहुत गुप्त बातें हैं, कि उनकी बात तेजस्वी यादव से हो चुकी है। इन दोनों जी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी थी मुकेश सहनी की। उन्हें हाँ हाँ फोन करके तेजस्वी यादव ने मना किया है, आग्रह किया है कि आप प्रत्याशी मत उतारिए, आगे जी चल के कुर्नी में आपके बारे में सोचा जा सकता है। और भी अभी सीटें हैं, उन पर उम्मीद है कि मुकेश सहनी को इंक्लूड भी किया जाए महागठबंधन में और उन्हें एक बड़ा ऑफर भी दिया जाए, जैसा कि दिया चिराग पासवान को दे रही है भाजपा। जाए। हाँ बातें लगभग बन चुकी हैं। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने पत्र के माध्यम से गोपालगंज मोकामा में अपने वोटरों को पूरी तरीके से फेवर में कर दिया है महागठबंधन के, महागठबंधन और ये के स्पष्ट जी कर दिया है कि भाजपा को एक भी वोट नहीं गिरना चाहिए। यहाँ तक कि जो धानुक समाज है मोकामा में, जो कि जिसको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलने वाला था ऑलमोस्ट, जिसकी तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी एक व्यक्ति कर रहे थे और वो जी मुकेश सहनी जी के संपर्क में भी थे, उन्होंने उस वोट बैंक को ही मुकेश सहनी ने महागठबंधन तरफ मोड़ दिया है, जो कि भाजपा की तरफ मुड़ दिया। चुका था लगभग हाँ गुस्से के कारण। उसे भी पत्र लिखकर वो उन्होंने मोड़ा है। अब दोनों जी जगह पे वो दौरा भी करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर के उतरने का मतलब है कि दोनों जगहों पर भाजपा से वो बदला लेने उतरेंगे। एक बड़ा वोट बैंक गोपालगंज में भी है, जिसे अपनी तरफ से वो मान के चलिए 25-26 हजार लोग हैं वहां, वीआईपी तो कहते 31 हजार ऊपर है। तो जी इतना बड़ा वोट बैंक अगर महागठबंधन की तरफ ट्रांसफर होता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ गेम को मोड़ दिया है मुकेश सहनी ने। और यही जी बात मोकामा में भी है। मोकामा में भी अगर अपने समाज के लोगों को वो जागरूक कर पाते हैं, क्योंकि पत्र भी लिखा है, आप जा भी रहे हैं, और हम सबको जी पता है कि मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है वो भी एकदम एक तरफा है, एक तरफा वोट है। हाँ जिधर जिधर चाहते हैं उधर वो गिरवा लेते हैं उस वोट बैंक को। तो ऐसी जी स्थिति जी में दोनों जगहों पर राजद को एक अपर हैंड तो दे ही दिया है, भाजपा को झटका भी दे दिया है और तेजस्वी यादव की तरफ मोड़ भी दिया है इस पूरी लड़ाई को। जी तो कहीं ना कहीं ये दो सीट ऐसी सीट है जो बिहार के आगे की जो दिशा होगी राजनीति वो तय करेगी, इसलिए कि इसी चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके पाले में है। और ये महायुद्ध अब 2024 की लड़ाई और 25 की लड़ाई की शुरुआत भी है, जैसा कि सभी दलों का दावा है। और ऐसे में मुकेश सहनी
महागठबंधन की तरफ से लगातार भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।